इनके बारे में तो हरीश रावत नहीं कहा था कांग्रेस में कई मगरमच्छ हो गए हैं, मगरमच्छ ये आजकल हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, ये भला नहीं कर पाएंगे। इनके पास धन हो सकता है, जनता के सेवा की लगन नहीं है। धन सिंह रावत धन भले ना हो लेकिन जनता की सेवा करने में जी जान लगाने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। और ये घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, जो नहीं समझाओ उनको भी समझाओ और कमल के फूल की बटन दबवाओ। अब ऐसे ही घर घर जाओगे ना, जैसे मैं मिल रहा था गले, पहले का बीच में से चलो उनके बीच में से काय को जाऊं, गले लगाऊंगा सबको। अरे जब से दिल से, जब तक दिल नहीं जोड़ते तब तक काम थोड़ी चलता है। मामा का रिश्ता तो दिल का रिश्ता होता है। और ये एक एक घर जाना है, जो नहीं समझा उसको समझाना है। और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता के मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। पुष्कर को मैं बचपन से बहुत वर्षों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मेरे साथ काम किया है। उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगा मोदी जी और आपके आशीर्वाद से और आप सबके साथ। इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कितने दिन बचे हैं चुनाव में, अब कितने बचे हैं बताओ ना। तो 7 दिन दिन और रात भारतीय जनता पार्टी को दे दो, तैयार हो। ये 7 दिन धन सिंह रावत नहीं, अपन चुनाव लड़ रहे हैं यार। धन सिंह रावत प्रतीक है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है। देखिए, कोई कसर मत छोड़ो, परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो और रिकॉर्ड वोटों से जिता के लाओ। तैयार हो तो आओ आज मेरे साथ इस कार्यालय में खड़े होकर संकल्प लो कि जब तक धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता देते, चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को, धन सिंह रावत को जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और निमंत्रण देने आया हूँ, मध्य प्रदेश आओ, महाकाल महाराज के दर्शन करने मामा आपका स्वागत करेगा।